6.2 क्लास 9। तो थर्ड क्वेश्चन कल हो गया था, क्वेश्चन फोर्थ आया आज। क्वेश्चन फोर्थ कल थर्ड तक कंप्लीट थे, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, संलग्न चित्र में वीओसी, इसमें चित्र दिया है पहले हमारा ए ओ और बी, ठीक। इसमें ये एक लाइन ऐसे हो रही है और पी ओ सी और इसमें यहाँ पर है क्यू, तो हमारा चित्र दिया है ए ओ बी फिर पी सी और क्यू, ये दिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है बी ओ सी दिया है, इसमें एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी समद्विभाजक है, यानी क्या है बाई सेक्टर है समद्विभाजक, ठीक है। समद्विभाजक का मतलब होता है बाई सेक्टर, आधे आधे हैं ये कोण। ओपी और ओपी एंड इसको बाई सेक्टर लिख लो, यहां पर एंड लिख लो बाई सेक्टर बाय ओपी एंड OP एंड OQ दिए गए हैं, तो यहां पर क्या है OP एंड OQ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो प्रूफ डेट करना है AOB लाइन पेयर है, लाइन पेयर है, ये है क्वेश्चन हमारा। यानी बीओसी और एओसी बाइसेक्टर, यानी कौन बीओसी ये वाला और कौन एओसी ये वाला, इनके ओपी और एक्यू बाइसेक्टर है। इस कोण का बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक है ओपी, और एओसी कोण का बाइसेक्टर है हमारा ओक्यू, ठीक है। OP एंड OQ, OP और AQ परपेंडिकुलर यानी 90 अंश का परस्पर लंब है। OP OP और OQ क्या है लंब है एक दूसरे पर, तो इसका मतलब ये कौन एंगल कितने का होगा 90 का, ठीक है। सेक्टर करना है, सिद्ध करना है ये OB संरेख है यानी लाइन क्लियर है एक ही लाइन पर है। तो देखिए इसमें पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ देखिए कौन BOC यानी OP, OP हमारा किसका है OP हमारा OP एंगल BOC का बाई सेक्टर है, क्या है बाई सेक्टर, यानी OP जो लाइन दी गई है BOC का बाई सेक्टर यानी समद्विभाजक है, समद्विभाजक दो भागों में बांट रहा है। इस अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, तो एंगल BOC BOC प्लस एप्पल किसकी होगी एंगल बी ओ सी एंगल हो जाएगा सी ओ पी, इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण पहला बन गया ये हमारा इक्वल है यहाँ पर। इसी अकॉर्डिंग ओ क्यू क्या है ओ क्यू किसका एंगल ए ओ सी का बाई सेक्टर है, ओ क्यू एंगल ए ओ सी, ओ क्यू ये ए ओ सी का ओ ए ओ सी का बाई सेक्टर, ठीक। यानी ये वाला एंगल ओ क्यू है ए ओ सी का बाई सेक्टर यानी समद्विभाजक है, तो इसी अकॉर्डिंग ये दोनों का एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो कोण ए ओ क्यू इक्वल किसका हुआ कोण सी ओ क्यू, इक्वेशन दो समीकरण दो हो गया। इसी तरह से कुछ नहीं करना है आपको, ये चित्र दिया गया है यानी इसमें कह रहा है कोण बी ओ सी का बाई सेक्टर है ओ पी और ए ओ सी का बाई सेक्टर है ओ क्यू, तो यानी इसमें ये भी और सी में ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और इनका ये बाई सेक्टर है तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे, ये क्वेश्चन दूसरा बन गया। अब इन्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करना है, क्या करना है ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ने पर, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यानी जोड़ने हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है जेरा हमारा, तो जोड़ दीजिए इसी अकॉर्डिंग
तो देखिए ए ओ बी इक्वल कौन कौन से एंगल जोड़ोगे इसमें, बी ओ सी प्लस कोण कौन सा जोड़ोगे, बी ओ सी, और सी ओ पी, सी ओ पी प्लस कोण बी ओ सी, सी ओ पी, ठीक है। अब एंगल हम कौन सा जोड़, ए ओ क्यू प्लस ए ओ क्यू, ठीक, चित्र हटा दे रहा हूँ थोड़ा, इसी अकॉर्डिंग प्लस कोण सी ओ क्यू, सी ओ क्यू, ठीक, ये जोड़ दिया। अब हमने चित्र यहाँ पे ले लें, ए ओ बी यहाँ हमारा क्या है, ठीक, पी सी क्यू, यही तो है आपका पी सी क्यू। अब देखिए ये मैंने आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड प्लस कर दी, ठीक। तो देखिए यहाँ से ए ओ बी एक लाइन क्लियर है, तो बी ओ सी ये वाला एंगल जोड़ा, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी एंगल सी ओ पी, नहीं यहाँ बी ओ पी होगा, बी ओ पी एंगल सी ओ पी इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर होगा पी है यहाँ ए ओ क्यू प्लस सी ओ क्यू, तो यहाँ होगा बी ओ पी, कितना होगा बी ओ पी जोड़ेंगे पहले, बी ओ पी प्लस सी ओ पी प्लस ए ओ क्यू प्लस सी ओ क्यू, ये जोड़ना है। अब देखिए इसमें पहले दिया था को एंगल ए ओ बी, ठीक। अब देखिए बी ओ पी किसके बराबर दे रहा है, कौन सी ओ पी के, यानी इक्वेशन फर्स्ट में देखें बी ओ पी का मान, बी ओ पी का एंगल कितना दिया है सी ओ पी, तो एंगल सी ओ पी प्लस यहाँ सी ओ पी है ये सी ओ पी प्लस ए ओ क्यू। अब इक्वेशन सेकंड में देखें ए ओ क्यू का मान है मेरा कितना दिया है सी ओ क्यू, एंगल सी ओ क्यू प्लस एंगल सी ओ क्यू, ये दोनों जोड़ दिए। अब देखिए इसमें कितना हो जाएगा सी ओ पी, सी ओ पी तो टू टू टाइम दी है, तो टू एंगल सी ओ पी, ठीक है, प्लस ऐसे इसमें टू टाइम दे दिया है तो टू एंगल सी ओ पी, ये हो गया। अब इनमें टू कॉमन ले लें, क्या ले लें टू कॉमन, तो टू कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा एंगल सी ओ पी प्लस एंगल सी ओ क्यू। अब टू मल्टीप्लाई ये परपेंडिकुलर कह रहा है, यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर दिया है इसमें देखिए, परपेंडिकुलर दिया है ओपी, क्वेश्चन में क्या परपेंडिकुलर कह रहा है, तो यहाँ दे रहा है तुम्हारा ओपी परपेंडिकुलर है ओक्यू पर, ओपी परपेंडिकुलर ओक्यू, ओ क्यू दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर ओ क्यू जो हो जाएगा 118, तो ये 90 का हो गया परपेंडिकुलर 90, 90 दूरी 180 का जो आ गया, कितने का आ गया ए ओ बी, कितने का आ गया ए ओ बी, यही तो मैंने लिया था यहाँ। तो इसी तरह से कर लीजिए अब आगे, क्योंकि देखो एक ही लाइन पर है, क्या है एक ही लाइन पर है, तो लिख दो इसे लाइन पेयर करना है, 10 वीकेंड से 10 वीकेंड से डेट ए ओ एंड बी, ठीक है, एंड लिखिए जी ए एंड बी, ठीक, बी लाइन्स एल आई ई एस लाइन्स ऑन द लाइन, ऑन द लाइन लाइन पेयर एल आई एन ई ए आर ई ए आई आर, यानी ये हमारा लाइन पेयर पर है, किस पर है यानी संरेख है, तो कहने का मतलब है ये हमारा संरेख है, यानी 10वीं ए ओ बी कितने का आ गया 118, तो यानी सीधी लाइन जो होती है वो 180 अंश का ही होता है, तो दिस वी कैन से डेट ए ओ एंड बी लाइन्स ऑन द लाइन लाइन पर है, लाइन पेयर है, तो ए ओ बी किस पर है ए ओ बी 180 आ गया तो लाइन पर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ, किसका है फिफ्थ,
क्वेश्चन फिफ्थ चित्र दिया गया है, मैंने पहले बताया था आपको इस तरीके से। ठीक है, इसमें जो ये है और यहाँ पर वो है आपका, यहाँ पर बी है, ठीक है, और ये सी है, यहाँ पर डी है। तो ये एंगल है आपका ए, यहाँ पर है बी, और यहाँ पर एंगल है सी, और यहाँ पर एंगल डी आ है डी। अब देखिए लाइन आपकी ए बी और सी डी पॉइंट ओ पर प्रक्षेपित करती हैं। लाइन आपके ए बी और सी डी पॉइंट ओ पर प्रक्षेपित मतलब काटती हैं, ठीक है, और कोण बनाते हैं। जैसा कि सरल चित्र में दिखाया गया है, एंगल ए एफ पर दिया है 45, कितने का दिया है 45। तो इसमें फाइंड करने हैं आपको एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये ज्ञात करने हैं आपको, बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। देखिए पहले मैंने आपको नियम लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग, एक एंगल ए की वैल्यू कितनी है 45, यानी ये वाला एंगल आपका 45 का दिया है, कितने का दिया है 45 का एंगल दिया है ये वाला। अब हमारा लाइन पेयर के अकॉर्डिंग ए एंगल ए प्लस एंगल बी, एक सीधी लाइन पर है ये, तो लाइन पेयर के अकॉर्डिंग ये एंगल कितने के होंगे 180 के। दोनों लाइन पेयर के एंगल हम प्लस कर दें, एक ही सीधी लाइन पर बने दोनों एंगलों को प्लस कर दें तो इनका योगफल 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ कर दें एंगल ए प्लस बी इक्वल 180 लाइन पेयर, लाइन पेयर, ठीक है, लाइन पेयर हो गया। अब ए, ए की वैल्यू कितनी दी है 45 प्लस एंगल बी इक्वल 180, तो बी इक्वल कितना आ जाएगा 180 माइनस के 45, माइनस कर दो, ये प्लस का था, ट्रांसफर कराएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो बी इक्वल कितने का हो जाएगा, बढ़ाओ 5 देवर 4 जाने के 17 4 के 137, यानी एंगल बी का मान 135 आ गया। ये वाला एंगल कितने का आ गया 135 बी। अब इसी अकॉर्डिंग देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम पे ही बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं। आपका ए का वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा सी, तो ए की वैल्यू 45 है तो सी भी हमारा 45 होगा। एंगल बी एंगल डी ये दोनों सेम होंगे इक्वल, क्योंकि बी का वर्टिकल अपोजिट एंगल डी होगा, बी का वर्टिकल अपोजिट डी, तो इसी अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, इसका वर्टिकल ये होगा, बी का वर्टिकल डी होगा। या ऐसा ना करके ऐसे भी कर सकते हो, इसका जो हो गया लाइन पेयर से भी कर सकते हो, 45 हो जाएगा, इसका लाइन पेयर कर दो तो ये भी 135 का निकलेगा। अब इसमें देखिए आगे, तो देखिए यहाँ एंगल ए इक्वल एंगल होगा सी, क्या होगा सी वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी सी सा विमुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ए का सी है तो ए कितने का था 45 का था हमारा, ए कितना था 45, तो सी भी कितने का होगा 45, क्योंकि सेम होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं। ऐसे ही एंगल बी का, एंगल बी इक्वल एंगल डी, बी का डी वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी सी सा विमुख कोण, तो ये भी, तो बी कितने का था हमारा, बी निकला था हमारा कितने का 135, तो डी भी कितने का होगा, क्योंकि जितने का बी है उतने का ही डी, इक्वल है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये 135। ये भी आ गया हमारा डी का मान, ये हो गया यहाँ पर सी का मान, और बी का मान पहले मैं निकाल चुका था लाइन पेयर से। अब देखिए ये आपका क्लियर है, ऐसी फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। मैंने नियम पहले ही बता दिए थे एक्सरसाइज शुरू होने से पहले, उन नियमों को थोड़ा याद रखें और देखते रहें तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन 6 है, बना लीजिए फिगर, बनाए इसमें एक लाइन जे और एक लाइन जे, ठीक, यहाँ पर ए और बी, ठीक है, ए बी सी और डी, ई और एफ, ये दिए हैं आपके,
ए बी दे दी है, सी डी दे दी और ई एफ, एक ही बिंदुओं पर प्रक्षेपित करते हैं, यानी जो ए बी और सी डी और ई एफ है जो एक ही बिंदुओं पर प्रक्षेपित कर गई है, क्या एक ऊपर ही काट दिया सभी पॉइंटों ने मिलकर ऊपर, और कोण बनाते हैं जैसा कि चरण चित्र में दिखाया गया, ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं आपको, एंगल ए करना है, एंगल बी करना है, एंगल सी करना है, एंगल डी करना है, ठीक है, ये कोण करके आपको। अब देखिए इसमें एक एंगल दिया है, ये 90 का दिया है, कितने का दिया है 90 का, और ये दिया है 50 का, ठीक है, और बी और सी डी यहाँ दिया है, बी यहाँ सी और यहाँ डी ये दिया है, तो यहाँ ए होगा, क्या होगा, ए बी सी डी, ये है ए बी सी के मान आपको याद करने सभी को, बी सी डी। देखिए पहले ये आपका एक लाइन पेयर है, क्या है, लाइन पेयर है, तो ये लाइन पेयर में बना दें, ये वाला लाइन पेयर हो जाएगा पूरा, एक ही लाइन पर आधा चांदा सेमी सर्कुल है, ये सेमी सेमी सर्कुल हो गया, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त सेमी सर्कुल जो होता है वो 180 का होता है, ये तीनों एंगल, इसमें तीन एंगल है, ये दो तीन एंगलों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारा लाइन पेयर पर जिनका योगफल 180 के बराबर होगा। तो जोड़िए ऐसी सी बॉडी कोण ए ओ ई, ए ओ ई प्लस कोण ई ओ डी, ई ओ डी, ई ओ डी प्लस कोण बी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180, क्योंकि लाइन पेयर हो गया, ये क्या हो गया, लाइन पेयर है, लाइन लाइन पेयर यानी रेखिक युग्म, ठीक है। अब इनमें ए ओ ई, ए ओ ई का मान ए है, ए रख देंगे, प्लस ई ओ डी हमारा 90 का है, प्लस बी ओ डी हमारा 50 का है, एक्वल 180, क्योंकि लाइन पे है हर सेमी सर्कल है और सीधी लाइन पर जितने भी कोण हो वो जोड़कर 180 के एक्वल होते हैं। अब देखिए इन्हें जोड़ो, ए प्लस 90 और 50 कितने हो गए 140, एक्वल 180, ये 140 हो गए प्लस करके, अब इनका ट्रांसफर कर दो तो ए इक्वल 180 माइनस 140, घटा के कितना आएगा, ए बराबर 40, ए का मान आपका आ गया 40 का, कितना आ गया 40 अंश का डिग्री का कोण आ गया, 40 का आ गया। अब इसी अकॉर्डिंग हम बी सी डी निकाल सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट कर दें, यानी वर्टिकल अपोजिट एंगल करके इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ए का अपोजिट क्या है, देखिए ये जो है तो इसमें चलो ए का होगा डी और सी का होगा 90 और बी का होगा 50, तो कर दीजिए बटी, अब ए एंगल ए एप्पल एंगल डी, ए का डी वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, तो ये कितने का था 40 का, तो बी भी हमारा कितने का होगा डी 40 का, बी का सामने 50 है और सी का कितना होगा 90, एंगल सी एप्पल 19 वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी सी ईशा विमुख कोण, ये कोण होंगे आपके, आपका ए जेरा बी जेरा और सी जेरा और डी जेरा, ये 40 बी का 50 होगा और सी का 90, करेक्ट आंसर आपका आ गया सभी। आगे शेष क्लास कल होगी, आगे कल